गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस नॉगिन, आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ये हमें पता चल रहा है। और हम यही कामना करते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही आनंदपूर्वक रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था जिसका नाम था अनुच्छेद लेखन। हमने आपको समझाया था कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो पुनः सभी बच्चे अपना पेंसिल का जो बुक है सेमेस्टर 2 वाला, उसे निकालेंगे। देखिए, है ना, आप लोग अपनी बुक में राइट कर रहे हैं और पेज नंबर 151 और 152, उस पर हम लोगों को कुछ कार्य करने को दिया गया है। 52, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने क्या किया था, कोई बता सकते हैं हमें? हमने ये जाना था कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और अनुच्छेद को लिखते समय हमें उस टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, हमारे सेंटेंस छोटे होने चाहिए, वाक्य स्पष्ट होना चाहिए, जो हम लिख रहे हैं उसमें हमारे जो विचार हैं वो व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए और सारे वाक्य जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने आपको कुछ अनुच्छेद पढ़ के सुनाए थे, जैसे ताजमहल के बारे में बताया था, फिर हमने पुस्तकालय के बारे में पढ़ा था, है ना? तो हमें कुछ चार अनुच्छेद के विषय दिए गए हैं। देखिए, मेरा घर, फिर मेरा जन्मदिन, और प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय। और हमने कहा था कि इसमें से किन्हीं दो विषय पर आप स्वयं अनुच्छेद लिखेंगे और दो विषय पर आप हमारे साथ लिखेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे भेजे नहीं है, तो अब जो विषय मुझे बहुत पसंद है मैं उस विषय पर अपना अनुच्छेद आरंभ करती हूँ। तो आप सभी लोग भी अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए, अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए बेटा सभी, है ना? और फिर हम लोग क्या करेंगे, साथ में अनुच्छेद लिखना आरंभ करेंगे, ठीक है? तो मैं अपना विषय ले रही हूँ, मेरा जन्मदिन, ठीक है? आप लोग भी चाहें तो उस जन्मदिन की तारीख में अपने जन्मदिन की तारीख बदल सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ऊपर हम पहले विषय डाल देते हैं, मेरा जन्मदिन, है ना? सभी को अपना जन्मदिन बहुत अच्छा लगता है मनाना, है ना? क्योंकि वो उनका सबसे स्पेशल डे होता है। बिकॉज उस दिन वो पूरे घर में और अपने आसपास के सभी लोगों में सबसे स्पेशल पर्सन फील करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आज उनका बर्थडे है, तो वो स्पेशल हो जाते हैं। हर कोई उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत प्यार से उनसे पेश आता है, है ना? और जो जो वो चाहते हैं उस दिन वो करवा लेते हैं अपने मन की। तो मेरा जन्मदिन मैं कैसे मनाती हूँ वो मैं लिखती हूँ, आप लोग अपने जन्मदिन के बारे में लिखिएगा, ठीक है, है ना? हो सकता है कि आपका और मेरा जन्मदिन मनाने का जो तरीका है वो ज़्यादा डिफरेंट ना हो, है ना बेटा? तो चलिए, हम लिख रहे हैं मेरा जन्मदिन। चूँकि मेरा जन्मदिन 10 जुलाई को आता है, इस तरह आपके पास वहाँ पर स्थान दिया गया है बेटा। देखिए, लाइन ड्रॉ करके दी गई है ना आपको, क्या करती हूँ?
जल्दी उठती हूँ बेटा, है ना? इस दिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। अगर आप बॉय हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैं जल्दी उठता हूँ, है ना? फिर नहा धोकर नए कपड़े पहनती हूँ। नए उस दिन मम्मी पहले हमारे नए ड्रेस लाके रख देती है ना, नए कपड़े पहनती हूँ। अब देखिए बेटा, अगर आप बॉय हैं तो आप जितने भी क्रिया के शब्द हैं वहां पर अपने अनुसार शब्द लिखेंगे। पहनता हूँ, पहनती नहीं लिखेंगे, ठीक है? फिर माता पिता को प्रणाम करती हूँ, है ना? माता पिता को प्रणाम करती हूँ। पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसके आगे फिर हम क्या करते हैं? ये तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। फिर मैं क्या करती हूँ? वे मुझे प्यार से गले लगाते हैं, है ना? वे मुझे प्यार से गले लगाते हैं। आपका बर्थडे जो होता है ना, जन्मदिन, वो दुनिया में सबसे स्पेशल यदि आपके बाद किसी के लिए होता है तो वो होते हैं आपके मम्मी पापा, है ना बेटा? क्योंकि आप तो उस दिन दुनिया में आए थे तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके आने के बाद वो पहली बार अपने जीवन में इतनी बड़ी खुशी से अवगत हुए, तो जितना स्पेशल आपके लिए होता है ये दिन, उतना ही स्पेशल उनके लिए भी होता है, है ना? गले लगाते हैं। माँ क्या करती है इस दिन? इस दिन माँ मिठाइयाँ बनाती है ना, मेरी मनपसंद मिठाइयाँ और भोजन बनाती है, है ना? आज अगर बेटे को खीर पसंद है तो खीर बनेगी, हलवा पसंद है तो हलवा बनेगा, मनपसंद मिठाइयां बनाती है। सब मिलकर घर को सजाते हैं, है ना? और क्या करते हैं? शाम को मैं अपने मित्रों को क्या करता हूँ? दावत देता हूँ। दावत देना मतलब सबको भोजन करवाना या भोजन में निमंत्रित करना, है ना? फिर मैं केक काटता हूँ। आजकल फैशन हो गया बेटा, और सभी मुझे बधाई एवं उपहार देती हैं, बधाई एवं उपहार देते हैं, है ना? इस तरह हर धूमधाम से
जाता है। पूर्ण विराम ठीक। आप लोग भी अपना जन्मदिन लगभग ऐसे ही मनाते हैं, है ना? तो चलिए हम आपको समय दे रहे हैं, आप जल्दी से इसे अपने पुस्तक में लिख लीजिए बेटा। हम लोग अनुच्छेद लिख रहे हैं बेटा, और अनुच्छेद में हमने पहले कहा है वाक्य थोड़े छोटे होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और हमारे जो विषय है वो कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए, है ना? तो चूंकि हमारी आयु, हमारी कक्षा, हमारे ज्ञान के आधार पर हमने एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा है। इसके पश्चात हम एक और अनुच्छेद लिखेंगे, मेरा मित्र, ठीक है? और जैसा कि जन्मदिन सभी का होता है, उसी तरह सभी का कोई ना कोई प्रिय मित्र अवश्य होता है, तो हम इसके पश्चात मेरा प्रिय मित्र पर भी छोटा सा अनुच्छेद आरंभ करेंगे। अब हम इसे यहां से हटा दें। सभी लोग ऊपर शीर्षक डाल लीजिए बेटा, मेरा प्रिय मित्र। आप कहेंगे मैम अनुच्छेद में और वाक्य में क्या अंतर होता है ना? इसके पहले जब आप क्लास 3 में थे तो आप 5 वाक्य लिखते थे या किसी विषय पर 10 वाक्य लिखते थे, है ना? तो उसमें कहते हैं वाक्य में जब हम लिखते हैं किसी चीज को बेटा, तो याद करना आसान होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो वाक्य का सीरियल होता है वो आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे हमारे विषय पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद में हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित होता है, जिसको पहले आना चाहिए वो पहले आता है, जिस वाक्य की जरूरत बाद में होती है वो बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ये एक हल्का सा अंतर होता है अनुच्छेद और वाक्य में। वाक्य आप सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, है ना, अलग अलग करके लिखते हैं एक वाक्य, फिर वो बाद में लाइन जितनी छूट गई फिर दूसरी लाइन पे दूसरा वाक्य, लेकिन अनुच्छेद क्या होता है कि कंटिन्यूस लिखा जाता है, सतत में 4 से 5 लाइनें लिखी जाती हैं,
तो हम मेरा प्रिय मित्र आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे कई मित्र होते हैं बेटा, है ना, लेकिन उसमें हमें किस पे लिखना है, मेरा प्रिय मित्र। तो पहले हम यहाँ पर सुंदर सी रेखा डाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास रेखा डली हुई है, आप सोचते हैं ना हर बार मैम रेखा क्यों डालते हैं, वो इसीलिए ताकि आप भी अपने कार्य को, अपना जो लेखन का कार्य है उसको उतने ही व्यवस्थित रूप से करें जिस प्रकार हम करते हैं, है ना। क्योंकि हम तो लिखते हैं, लेकिन आपको ये कई बार समझ नहीं आता कि मैं कितना बड़ा अक्षर लिखें। सुंदर लेखन के लिए आवश्यक है कि आप जब भी लेखन का कार्य करें बेटा, तो शब्दों और अक्षरों के मध्य में पर्याप्त दूरी रखें, उनका साइज हमेशा एक बराबर रखें, पूरी लाइन यूज ना करके उसको 3/4 यूज करें, है ना। आपके दो लाइनों के, दो रेखाओं के बीच में जितना गैप है उसका 1/4 प्लेस आपको कम से कम छूटना चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। मैं अपने प्रिय मित्र के बारे में, मेरे कई मित्र हैं, क्योंकि मित्र तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इतने प्रिय मित्र, लेकिन रमन मेरा प्रिय मित्र है, है ना। आप यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिख दीजिए, फिर उसमें और मुझमें क्या समानता है, है ना। हम एक ही आयु, आयु मतलब उम्र, है ना, के हैं। वह मेरा सहपाठी है, मेरा सहपाठी है, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद हम एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना, साथ में हम लोग पढ़ते हैं, साथ में आते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी मित्रता और गहरी होती जाती है। उसके बाद हम अपने मित्र के बारे में लिखेंगे, है ना। वह स्वभाव से कैसा है, हंसमुख है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसमुख और दयालु है, है ना, ये उसका कैरेक्टर है बेटा। फिर उसके पिता, उसकी फैमिली के बारे में लिखेंगे, दुकानदार एवं माता गृहिणी है, हाउसवाइफ है, ठीक है। फिर हम उसकी अदर क्वालिटीज के बारे में लिखेंगे, भैया वो मेरा फेवरेट है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी ना, ये तो उसका कैरेक्टर था कि वो हमेशा स्माइली फेस रखता है, वो सबकी हेल्प करता है, बट और भी कुछ स्किल्स उसके अंदर हैं जो मुझे उसमें पसंद है, जो मुझसे मैच करती हैं, ठीक है। वह पढ़ाई के साथ खेलों में भी क्या करता है, प्रथम आता है। ओके, अब हम इसका अगला वाक्य भी लिखते हैं। खेलों में भी वो बहुत अच्छा है, वह मेरे साथ
देखिए हम दोनों में कभी, हम दोनों में कभी विवाद नहीं होता है। विवाद मतलब किसी बात पे बहस या झगड़ा। चूंकि फ्रेंड है तो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं ना वो लोग, तो फिर भला वो आपस में लड़ाई क्यों करेंगे। और यही क्वालिटी तो होती है जो किसी को हमारा फ्रेंड बनाती है। उसके बाद में और भी उसके दोस्तों में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि वो सभी का सम्मान करता है, वो अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है, है ना? वह सदैव मेरी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तत्पर का मतलब रेडी रहता है। अब चूंकि मेरे दोस्त में इतनी सारी बातें हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए वो मेरा प्रिय मित्र है। और आई प्राउड ऑफ, है ना, मुझे अपने दोस्त पर गर्व है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है और मैं धन्य हूं, है ना? क्यों धन्य हूं? मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं कि रमन मेरा मित्र है। रमन के और भी बहुत से मित्र होंगे लेकिन वह मेरा और मैं उसका प्रिय मित्र हूँ, बेस्ट फ्रेंड है। ये अपने आप में लकी फील करवाता है मुझे कि वो दूसरों के साथ उसका व्यवहार अच्छा है लेकिन मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई फील वेरी लकी बिकॉज रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर अपना कार्य खत्म कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिए बेटा, और कहीं पर भी मात्राओं की या अक्षरों में कोई त्रुटि न कीजिए, ध्यानपूर्वक लिखिए। इसके पश्चात हमारी पुस्तक में दो अन्य विषय और दिए हैं बेटा, तो आप लोग उस पर स्वयं लिख लीजिए और फिर आप हमें चेक करवा सकते हैं कि मैम हमने जो कोशिश की है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपना कार्य जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें, है ना? कई बार हमें वीडियो में से देख कर लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है और जब हम इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा तो पिक्चर को देख कर लिखने में आसानी होती है कुछ बच्चों को, तो आप वह भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे अपनी पुस्तक के एक नए पाठ, एक नए विषय के साथ में। तो तब तक आप लोग अपना कार्य निरंतर जारी रखिए और लिखने के साथ साथ में उसका अभ्यास जो है ना, उसको स्मरण करना भी आरंभ कर दीजिए बेटा, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ समय पश्चात वापस हमारी परीक्षाएं आ जाएंगी, तो उस समय हमारे पास ढेर सारा सामग्री होगी पढ़ने के लिए, तो उस समय हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। हम अभी से अगर थोड़ा थोड़ा याद करते चलेंगे तो अंत तक जाते जाते हमारा पूरा जितना भी पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका होगा याद करने के लिए, और हमें सिर्फ उसको एक बार से पढ़ना होगा। तो आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ बाय बाय।